चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बेटियों के लिए शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, तो बेटियों के लिए सीएम शिवराज का बड़ा फैसला सामने आया है। शिक्षा और रोजगार से जुड़ेगी लाडली लक्ष्मी योजना, पंजीकृत बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो शिक्षा और रोजगार से लाडली लक्ष्मी योजना अब जोड़ी जाएगी, 12वीं के बाद भी पढ़ाई जारी रख सकेंगी बेटियां। शिवराज सरकार आगे की पढ़ाई का खर्च उठाने जा रही है, तो 1 लाख में से शेष 80,000 का भुगतान 21 साल में होगा। सीएम शिवराज ने बेटियों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है, लाडली लक्ष्मी योजना अब शिक्षा और स्वास्थ्य रोजगार से भी जुड़ेगी। चलिए, तो किस तरह से इस योजना में बदलाव होने जा रहा है, क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी, जान लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता दुष्यंत लगातार बने हुए हैं। दुष्यंत, बेटियों के हित में सीएम शिवराज ने एक और बड़ा फैसला लिया है, शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार से अब लाडली लक्ष्मी योजना जुड़ने जा रही है, क्या कुछ पहले से ज्यादा बदलाव देखने को मिलेंगे? आप बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा निर्णय लिया है और जिस तरीके से लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने कार्यकाल में ली थी और एक बड़ी योजना इसको माना जा रहा था और कहीं ना कहीं इसी योजना के चलते कहीं बीजेपी और सरकार को का कई फायदे जो हैं वो भी हुए थे और जिस तरीके से जनता ने इस योजना को सराहा था, तो अब उस योजना में कहीं ना कहीं कुछ संशोधन करके एक बार फिर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उसको सामने लाना चाहते हैं। तो यही प्रयास है मुख्यमंत्री का कि जो बच्चे हैं या जो लाडली लक्ष्मी हैं उसको इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। इसके लिए प्रयास ये किया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से के जो छात्र जो 1 लाख से ज्यादा की राशि जो है वो 21 साल के होने पर छात्राओं को या बच्चियों को दी जाती थी, तो अब वो राशि जो है वो घटकर 80,000 कर दी जाएगी, लेकिन जो ऊपर का पैसा होगा वो उसकी शिक्षा के लिए 12वीं पास होते ही छात्रा को दे दिया जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखने में आता है कि जो निर्धन परिवार की जो बच्चियां होती हैं उनकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं व्यवधान पैदा होता है और जब 12वीं कर लेती हैं तो उनको कॉलेज की पढ़ाई के लिए पैसे की जरूरत होती है, लेकिन उनके पैसे की व्यवस्थाएं नहीं हो पाती, तो कहीं ना कहीं उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। ऐसे में पढ़ाई ना छोड़नी पड़े और जो अभियान है पढ़ाई का वो भी लगातार चलता रहे, छात्राओं को पढ़ाई और जिस तरीके से शिक्षा है अच्छे तरीके से मिल सके, उच्च शिक्षा में वो अच्छा कर सके, इसके लिए ये पूरी व्यवस्था की गई है ताकि जिस तरीके से 1,18,000 रुपए की राशि जो सरकार की तरफ से 21 वर्ष पूर्ण होने पर छात्रा को मिलती थी, अब वो राशि जो है वो घटकर 80,000 जरूर की है, लेकिन जो 80,000 21 वर्ष के बाद मिलेंगे, लेकिन उसके पहले लगभग 40,000 रुपए उसके उसके अकाउंट में तब पहुंचेंगे जब वो 12वीं पास होगी और उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए आगे जाना चाहती है, तो कहीं ना कहीं सरकार तो मदद करेगी ही, लाडली लक्ष्मी योजना की जो राशि होगी वो भी उसको मिल सकेगी ताकि अच्छे से और अच्छी शिक्षा वो ग्रहण कर सके, साथ ही साथ भारत की नागरिकता होने के साथ साथ उसके फर्ज भी निभा सके, उसकी जिम्मेदारी भी निभा सके, इस बात का भी बोध होना चाहिए और इसी को लेकर अच्छी पढ़ाई और अच्छी शिक्षा जो है वो बच्चियों को मिले, इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। जी बिल्कुल, तमाम व्यवस्थाएं दुष्यंत की गई हैं शिक्षा को लेकर, साथ ही जानना चाहेंगे रोजगार को किस तरह से जोड़ा जाएगा लाडली लक्ष्मी योजना से, क्या कोई प्रशिक्षण लगाए जाएंगे, किस तरह के शिविर लगाए जाएंगे, क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी रोजगार के अवसरों से जुड़ने के लिए? हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बालिकाओं के रजिस्ट्रेशन जो है वो कराए जाएंगे और रजिस्ट्रेशन के साथ साथ में उनको रोजगार से जोड़ने का प्रयास भी सरकार की तरफ से है, क्योंकि जिस तरीके से देखने में आता था कि पहले रोजगार पंजीयन कराने पड़ते थे और रोजगार पंजीयन के बाद ही सरकारी नौकरियों में अप्लाई जो है वो किया जा सकता था, तो अब बालिकाओं के लिए ये रास्ते भी खोले गए हैं और सरकार की तरफ से पंजीयन तो कराया ही जाएगा, साथ ही साथ जब सरकारी नौकरियां और तमाम सारे सेक्टर्स की नौकरियां जब निकलेंगी तो इन बालिकाओं को भी आमंत्रित किया जाएगा कि वो अपनी योग्यता जो है वो यहाँ पर साबित कर सकती हैं और जब वो योग्यता साबित करेंगी
तो उनको इस नौकरी में प्राथमिकता भी मिलेगी और जब उनके पास रोजगार होगा तो कहीं ना कहीं उनके परिवार को भी सुदृढ़ बनाया जा सकेगा। साथ ही साथ इस बात पर भी विशेष बल जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया है कि रोजगार और शिक्षा दोनों को साथ में जोड़ा जाए ताकि इससे जो छात्राएं हैं जो बालिकाएं हैं उनको इसकी जो मदद जो है वो मिल सके, इस योजना का एक जो साकार रूप जो है वो साकार हो सके। क्योंकि लाडली लक्ष्मी योजना केवल छात्राओं को बड़ा करने और छात्राओं को पालने पोसने के लिए ही नहीं है, लाडली लक्ष्मी योजना उनकी पढ़ाई उनके रोजगार तमाम सारी चीजों से जुड़ी हुई है और इसी को जोड़ने का प्रयास जो है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का है और प्रयास कहीं ना कहीं आगामी दिनों में धरातल पर और सफल होता हुआ भी नजर आएगा। जी बिल्कुल दुष्यंत, बने रहेगा आपके पास, फिर लौटेंगे। तो तमाम प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, बेटियों के हित में भी एक बड़ा फैसला लिया है, रोजगार से जोड़ा जाएगा, शिक्षा से जोड़ा जाएगा लाडली लक्ष्मी योजना को। अब आगे देखना होगा कि जो फैसला लिया गया किस तरह से काम करता है और कितना लाभ मिलता है छात्राओं को।